हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू दर आपका अपने चैनल सॉफ्ट टॉयज़ मेड इन इंडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सॉफ्ट टॉयज़ की सीरीज़ में आइए, आज मैं आपको एक छोटा सा पैरट बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर पैरट है। आप इस तरह अपने बच्चों के लिए गिफ्ट देने के लिए बना सकते हैं। मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए और इस तरह से आप अपने लिए या किसी को देने के लिए या अपने घर के लिए इस तरह से ये छोटा सा पैरेट बनाया है मैंने। अब देखिए कैसा लग रहा है आपको। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी तरफ से नई वीडियो डले तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि सॉफ्ट टॉयज मेड इन इंडिया की तरफ से नई वीडियो डली है। इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, www.renuscreativehub.com। बस इतना ध्यान रखिए कि वो मोबाइल से आप मेरी वेबसाइट नहीं खुलती है, उसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप वहाँ से पैटर्न को डाउनलोड करके, प्रिंट लेके, उसकी कटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। तो और मेरी वीडियो को फॉलो करके इस तरह का सॉफ्ट टॉयज़ आज मैं पैरेट बना रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, तो इस तरह से आप बना सकती हैं। तो मेरी वीडियो देखिए, फॉलो कीजिए, हाँ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेट बनाने के लिए सबसे पहले हम मटेरियल चेक कर लेते हैं। मटेरियल में सबसे पहले आपको पैटर्न चाहिए, जो मेरी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, www.renuscreativehub.com। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके, प्रिंट लेके, कट करके यूज़ कर सकते हैं। बस मोबाइल से नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और प्रिंट करके कट कर लीजिए। पैटर्न के बाद आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। कपड़ा मैं इसमें फ़र ले रही हूँ, ये मेरे पास मीडियम फ़र है। ये देखिए मीडियम फ़र है, ग्रीन कलर का। ये मेरे को कोई चाहिए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मीडियम फ़र। आप ज़रूरी नहीं है कि फ़र से बनाएं, आप फेल्ट से भी बना सकती हैं, शॉर्ट फ़र से भी बना सकती हैं, कारपेट से भी बना सकते हैं। उसके अलावा मेरे को येलो चाहिए, येलो मैंने शॉर्ट फ़र लिया हुआ है, ये बहुत शॉर्ट फ़र है। ये मेरे को करीब चाहिए 12 सेंटीमीटर, ये भी। उसके अलावा मेरे को बहुत छोटा सा पीस चाहिए, ये भी शॉर्ट फ़र है, रेड कलर का, इसकी बीक के लिए, चोंच के लिए। उसके अलावा पेन, पेंसिल या टेलर चौक मार्क करने के लिए, मार्किंग के लिए। सुई धागा आपको चाहिए सिलने के लिए, सीज़र, कैंची कट करने के लिए, पॉलीफाइबर, फाइबर वूल फिल अप करने के लिए। ये कोई 50 से 80 ग्राम तक आपका यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए टैडी की आइज़ और उसकी वॉशर्स, दो टैडी आइज़ 1 पेयर और साथ में उनके वॉशर्स। तो ये तो मटेरियल हो गया। चलिए सबसे पहले हम पैटर्न को कपड़े पे ड्रॉ करते हैं। देखिए पैटर्न ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं ग्रीन कलर पे ड्रॉ करती हूँ। ग्रीन कलर को जैसे कि मैंने आपने आपको बताया कि ये मीडियम फर है, यानी कि इसमें आपको ये जो बाल है वो दिख जाएंगे। तो सबसे पहले इस कंडीशन में फर जो होता है इसमें आपको डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो जो डायरेक्शन होती है बालों की, ये आपको अपनी तरफ रखनी होती है, जहाँ पर आप बैठे हो अपनी तरफ रखनी होती है। जैसे कि अब ये ऊपर की तरफ है, ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ऐसे करूंगी तो आपको पता चलेगा ये उल्टा है। तो आपको जो सबसे पहले है, जब आप इस कपड़े को उल्टा करेंगी इस तरह से, उल्टा करने के बाद में जहां आपने ड्रॉ करना है, जो ये बालों की डायरेक्शन है ये आपकी तरफ होनी चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये नीचे की तरफ है, यानी जहां आप बैठे हो नीचे की तरफ। ये जो एरो है इसका, ये इस तरह से है, ऐसे। तो ये डायरेक्शन है आपके इसकी। तो जब भी आप फर पे बनाते हैं, जो उस पे एरो बना होता है, एरो का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ द फर। ये डायरेक्शन ऑफ द फर जब आप इसको उल्टा करते हैं तो आपकी तरफ होना चाहिए इस तरफ, यानी ये इधर से आपको नीचे से पता चल जाता है ये नीचे की तरफ है। तो यानी कि जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये देखिए, ये इस तरफ इसकी डायरेक्शन है फर की। तो अब आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से रख के और आपने पैटर्न को इस पे मार्क करना है। जैसे कि ये देखिए इसमें लिखा है साइड बॉडी, ये 2 पीसेस काटने हैं, 1 रिवर्स। तो सबसे पहला पीस तो हम इधर रखेंगे और इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। और दूसरा पीस जो है इसी को यहां पर पलट दूंगी इस तरह से, रिवर्स वाला वो पार्ट, वो यहां पर इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगी। इसी तरह से आप सारे पार्ट पीसेस जो है ड्रॉ करके उसके बाद में आपने इसको कट करना है। अब कट करने के लिए क्या है
कि जो फर है, देखिए अब हम जैसे शॉर्ट फर है या कोई भी फर है, हम इस तरह से कैंची लेते हैं और इस तरह से चलाना और कट करना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करना होता है। फर में आपको ध्यान देना है कि आपने फर नहीं काटना है, आपने सिर्फ ये ऊपर का इसका कपड़ा काटना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस सीजर को, कैंची को आपने नोक से काटना है और इसको इस तरह से रखना है, और ये देखिए इस तरह से काटते हुए जाना है। आपने ये इस तरह से नहीं काटना है, इस तरह से बस ये ऊपर का जो है कपड़ा आपने काटना है, फर को आपको नहीं काटना है। तो जो आपने मार्क किया हुआ है उसके हिसाब से आप इसका इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से, यानी कि जो फर है वो नहीं कटा है। ये अगर आप इस तरह से काटेंगे, पूरा इस तरह से लेकर काटेंगे, जैसे आप इस तरह से काटेंगे तो इसमें क्या होता है, फर सारा कट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो आपने फर को नहीं काटना है, सिर्फ इस ऊपर वाले कपड़े को काटना है। उसके लिए आपने इसकी कैंची की नोक लेनी है, नोक से आप कट कीजिए तो आपका ये खाली ऊपर का कपड़ा कटेगा। इस तरह से आपने ये, तो फर की कटिंग हम इस तरह से करते हैं। तो इसी तरह से आपने सारे पीसेस जो है मार्क करके, जो येलो में करना है वो येलो में, येलो में तो ये शॉर्ट फर है, इसमें तो इतना पता नहीं चलता है डायरेक्शन का, लेकिन फिर भी इसमें अगर आपको पता चलेगा, ये भी नीचे की तरफ से आपको पता चल जाता है डायरेक्शन कहाँ है। तो डायरेक्शन अपनी तरफ करके और इसमें मार्क करके और आप इनकी कटिंग कर लीजिए। सबसे पहले फेस में ये बैक हेड जोड़ लेते हैं। अब इसको यहाँ पर देखिए, आप ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी और यहाँ लिखा हुआ है डी। तो यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, तो यहाँ से यहाँ आपको जोड़ना है, सी से शुरू करते हुए डी तक आपको ये ज्वाइन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये डार्ट भी आपने बंद करनी है, ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। एक पार्ट इस साइड से बंद होगा और दूसरा पार्ट जो है वो इस साइड से बंद हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे ये लीजिए, अब इसको आपने यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है। तो दोनों पार्ट्स जो हैं आप सीधा सीधा जो है वो आपस में ज्वाइन करेंगे और उल्टा उल्टा पोर्शन बाहर की तरफ रखेंगे। उसके ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है सी, ये इस सी के साथ यहाँ से जुड़ना शुरू होएगा, ये देखिए इस तरह से, और आप इसको यहाँ से राउंड करते हुए पूरा यहाँ डी तक इस तरह से ज्वाइन करेंगे। और जो दूसरा पोर्शन है वो यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से, दो साइड में ये दो पोर्शन आपके ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सुई से लेकर हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये कॉर्नर से कॉर्नर, कोने से कोना बिल्कुल मिलाइए आप पहले। सबसे पहला काम ये कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाइए और सुई डाल के आप इसको सबसे पहले जो है कॉर्नर को गांठ कर ली, गांठ बांध दीजिए। एक दो बार इसका यहाँ से निकाल लीजिए ताकि जो किनारा है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। ये देखिए ये बंद हो गया है। अब इसके बाद में हम स्टिच करना शुरू करते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास ये फर है, लॉन्ग फर है, तो आपने फर को ऐसे बीच बीच में अंदर कर करके और इसको इस तरह से हाथ थोड़ा सा राउंड घुमाइए और साथ में लीजिए और इस तरह से स्टिच कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा राउंड कीजिए यहाँ से और इसको स्टिच कर लीजिए, थोड़ा सा राउंड करके। इस तरह से आपने थोड़ा सा खींच भी दीजिए साथ में, क्योंकि खींचने से ये होगा कि स्टिच में अच्छी सी एक क्लीननेस आएगी, यहाँ पर आपके वो धागा नहीं दिखेगा। तो ये इस तरह से आपने क्या करना है, अंदर कर करके इसको इस तरह से फर को अंदर कीजिए और इसको यहाँ पूरा सिलते चले जाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए अब यहाँ तक सिल दिया है, इसको पूरा बंद करके यहाँ पर कट कर दीजिए। ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ सिल दिया है। ये देखिए इस साइड से कहीं भी आपको सिलाई नहीं दिख रही है, इसी तरह से आपने सिलना है। जब आप इसको खींचेंगे तो यहाँ से आपको धागा नहीं दिखेगा कहीं भी। तो उसके बाद में आप ये करने के बाद में अब जो दूसरा साइड है वहाँ पर हम दूसरा वाला पोर्शन सेम इसी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से ये लगा दिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आपने क्या करना है, जो ये डार्ट है इसको आपस में सिलना है, तो इसको भी आप आपस में इस तरह से कीजिए, फर को अंदर करते हुए और इसको यहाँ पर सिल दीजिए, यहाँ से यहाँ सिल दीजिए इसको, फर को इसी तरह से आपने अंदर करना है, इस तरह से अंदर करके
और यहाँ से आप जिस तरह से स्टिच लगाते हैं उसी तरह से आप इसको ये डार्ट भी बंद कर दीजिए। ये देखिए डार्ट भी सिल दिया है और ये साइड के भी सिल दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इस जगह पे आई पैचेस लगाने हैं। ये जो आई के पैचेस हैं ये आपने इस तरह से इस जगह पे लगाने हैं, जो येलो में काटे हुए हैं ये इस जगह पे लगाने हैं। किस तरह से लगाने हैं, देखिए ये है, इसमें इस राउंड आई पैच में ये येलो वाला लीजिए आप, इसको इस तरह से रखना है। आप राउंड पोर्शन जो है, जो राउंड वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ रहेगा और ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन बाहर की तरफ रहेगा। तो इसको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करते हुए आप इस तरह से पूरा राउंड में ऐसे करके और ऐसे और यहाँ तक पूरा इस तरह से जोड़ दीजिए, एक यहाँ से और जो दूसरा वाला साइड है उसमें ये वाला इस तरह से। ये देखिए दोनों आई पैच दोनों साइड से लगा दिए हैं इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसके बाद में हम इसको साइड पे कीजिए। अब इसकी बीक जो चोंच है इसकी वो हम कर लेते हैं। ये रेड में काटी है मैंने दो, एक रिवर्स, एक इस तरह से रख के और एक रिवर्स करके काटी है। अब इनको आपने आपस में ज्वाइन करना है। ऊपर का साइड देखिए, ये ऊपर का साइड आपने आपस में ज्वाइन करना है और नीचे वाले साइड पर हमने इसके साथ में ज्वाइन करना है इस तरह से। ये जो येलो पोर्शन एक काटा है, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ ऊपर का साइड जो ये राउंड वाला साइड है, तो इसको इस तरह से आप उल्टा कीजिए आपस में और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको सिल दीजिए। बिल्कुल किनारा किनारा मिला के देखिए, और फर जो ये हल्का है, शॉर्ट फर इसमें है फिर भी, ये लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट फर है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत होता है। इसको भी आप थोड़ा हाथ से अंदर करके और यहाँ से इस तरह से ऊपर का पोर्शन ऐसे कर करके सिल दीजिए, हाथ को राउंड करके थोड़ा सा। ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ राउंड मैंने सिल दिया है ये इस तरह से। अब इसमें हम नीचे का जो लोअर बीक का पार्ट है वो येलो है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर इस तरह से। जैसे ये वाला पार्ट है इसको आपने इस तरह से लगाना है। ये जो कोना वाला पोर्शन है वो कोने के साथ में लगाएंगे आप इस तरह से, और इसको यहाँ से इस साइड से ऐसे सिल देंगे और दूसरा वाला पोर्शन दूसरे साइड से सिल देंगे यहाँ से और यहाँ से। आई पैचेस जोड़ने के बाद में जो ये वाला हिस्सा है ये आप दोनों फेसेस का आपस में ज्वाइन कर लीजिए। आई पैचेस हमने येलो जोड़ दिया है, उसके बाद इन दोनों को जो दो फेस है दोनों फेस का आपस में, ये जो ये देखिए ये आई पैचेस दोनों साइड से जुड़ गए हैं। अब जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये भी आपने आपस में जोड़ देना है इस तरह से। अब आपका ये वाला पोर्शन रहेगा जो बीच का पोर्शन खाली है, इसमें हम अब इसकी चोंच यानी बीक लगाते हैं। अब इसको लगाना कैसे है, जो ये रेड वाला पोर्शन है इसके सेंटर का पोर्शन है, ये यहाँ पर हेड जो आपका ये बैक हेड था इस पर आप निशान लगा लीजिए और ये सेंटर की लाइन जो है सेंटर से जोड़ते हुए, और इसी तरह से जो नीचे का ये वाला पोर्शन है ये इस येल्लो के सेंटर पर आएगा और इस तरह से राउंड में आप इसको सिल के इसकी जो है बीक चोंच वो आप इसको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए अब चारों तरफ से इसको मैंने सिल दिया है, सेंटर और सेंटर, पहले ऊपर का सेंटर ज्वाइन कर लिया और नीचे का सेंटर ज्वाइन कर लिया, उसके बाद साइड साइड से मैंने इसको सिल दिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे लेकिन उससे पहले हम इन आई पैचेस पे आईज लगाते हैं, आँख लगाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जो आई पैचेस हैं उन पे थोड़ा सा सेंटर में आप निशान लगा दीजिए, जैसे इस पूरे का आप सेंटर लीजिए अंदाजे से और निशान लगा दीजिए, और इसी तरह से दूसरे वाले आई पैच के भी हम सेंटर पे निशान लगा देते हैं। अब इसके बाद में आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर कैंची से थोड़ा सा हम इसको कट करेंगे। देखिए दोनों साइड से कर लेते हैं।
इसके बाद में हम यहाँ से अब इनकी यहाँ पर आइज जोड़ लेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए यहाँ आइज लगा देते हैं। दूसरे साइड भी लगा देते हैं। ये देखिए अब हमारे पैरेट का जो है फेस बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा आप यहाँ किनारे पे कॉर्नर थोड़ा सा निकाल दीजिए इसकी चोंच का। ये देखिए हमारे पैरेट का फेस बिल्कुल रेडी है। अब इसको साइड पे करके अब हम इसकी बॉडी जॉइन करते हैं। देखिए बॉडी जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसका लेग्स लेते हैं। जो ये लेग्स थी आपने चार पीसेस काटने थे, दो इस तरह से और दो रिवर्स करके येलो में। अब इनको आप आपस में जॉइन कर लीजिए। जैसे ये है इसको आप इस तरह से रखिए इस तरह से, और ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ के इस तरह से राउंड में आप यहाँ पर सिलाई लगा के इसको इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद में इसको सीधा करेंगे, और इसके बाद में हम लेते हैं इसकी मिडिल बॉडी और साइड बॉडी। अब साइड बॉडी मिडिल बॉडी येलो में एक ही पीस काटना था, साइड बॉडी दो पीसेस ग्रीन में। इनको अब आपने आपस में जोड़ना है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ए से बी और यहाँ पर ए से बी, यानी कि इन दोनों पीसेस को आपको यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। एक साइड यहाँ और दूसरा साइड जो है वो यहाँ से यहाँ। तो इसको इस तरह से आप रखेंगे, इसको फर को अंदर करते हुए और किनारे से किनारा जोड़ते हुए फर को अंदर करेंगे, और उसके बाद में आप इसको सिलना शुरू कर दीजिए यहाँ से। तो इसी तरह से आप इसकी बॉडी को जोड़ दीजिए यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा लेके और फर को अंदर करके उंगली से इस तरह से आप अंदर कीजिए, और इसको इस तरह से सिलते हुए इन दोनों पीसेस को आप जोड़ दीजिए। ये देखिए अब दोनों पीसेस मैंने जोड़ दिए हैं सेंटर बॉडी से। अब इनको आपने आपस में सिलाई लगा दीजिए। अब यहाँ से आपस में इसको इस तरह से फर को अंदर करते हुए और इस तरह से आप यहाँ पर भी इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद हम इस ऊपर वाले पोर्शन में इसका हेड ज्वाइन करेंगे। ये जो इसका हेड है ये हम इधर इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और जो ये फुट हमने बनाए हैं ये भी मैंने सीधे कर दिए हैं, इनको हम इधर ज्वाइन करेंगे। चलिए पहले इसको सिल लेते हैं। देखिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया इधर। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको इसकी बॉडी को आप हेड इसमें ज्वाइन करेंगे। अब सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने डायरेक्शन लगाई है नीचे, क्योंकि ये फर में डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के हिसाब से ले लीजिएगा। डायरेक्शन नीचे की तरफ रखिएगा, ये ए है तो ए की तरफ से आपने हेड इसका ज्वाइन करना है। तो जो ये येलो वाला पार्ट है, येलो वाले पार्ट में आप इसमें सेंटर में मार्क लगा दीजिए। आप वो किसी पेंसिल से भी लगा सकते हैं, किसी से भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा सेंटर में मार्क लगा देते हैं सेंटर के लिए। और इसी तरह से इस जो ये हेड है इसको भी मैंने उल्टा कर दिया है। इसका तो सेंटर ये आई रहा है जिसमें हमने ये स्टिच लगाई है, इसको और इसको आपने इस तरह से पकड़ के और इसको पूरा राउंड में आपने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। बैक में भी ऐसे ही कीजिएगा। जो बैक का ये डार्ट वाला पोर्शन है ये इस ग्रीन वाले के जो स्टिच बीच में लगाई है इसके बिल्कुल साथ में आएगा इस तरह से। ये देखिए ये बिल्कुल साइड साइड में आप इसको यहाँ से सिलना शुरू कर दीजिए। तो फर को जैसे मैंने बताया इस तरह से अंदर करके यहाँ से पकड़िए, और इसको यहाँ से आप इस तरह से सुई से ज्वाइन करना शुरू कीजिए।
तो इसका हेड ये जुड़ जाएगा इसके साथ में। उसके बाद में हम इसके फुट और विंग्स वगैरह जोड़ेंगे और इसको फिल करेंगे। देखिए इसको मैंने चारों तरफ से सिल दिया है, अब इसकी सिलाई हो गई है। अब इसको हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। या मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब इसको हम फाइबर लेके फिल करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा आपने फाइबर लेना है और इसको फिल करना शुरू करना है। तो थोड़ा थोड़ा फाइबर लेके आप इसको फिल कर दीजिए। ये देखिए इसको फिल कर दिया है। अब इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसके साथ में ही मैंने जो इसके फुट है इनको भी बहुत थोड़ा सा हल्का हल्का सा फिल कर दिया है। इसको बाद में हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। तो सुई और धागा लीजिए, बीच में से निकालिए और इस तरह से देखिए यहाँ से इस तरह से आपने इसका जो एंडिंग है इसको बंद कर देना है फिल करने के बाद। ये देखिए अब इसको ऐसे तरह से खींच दीजिए। ये देखिए हो गया बंद। और इसके बाद में आप इसको यहाँ पर बंद कर लीजिए। ये देखिए एंडिंग इसकी, जैसे हम बंद कर देते हैं ये, इसके बाद में थोड़ा सा खींच के और सुई को आप यहाँ से डाल के कहीं और से सुई निकाल लिया कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा खींच के और इसको धागा काट दीजिए। ये इसकी एंडिंग बंद हो गई है। अब ये जो इसके फुट है इनको आपने यहाँ ज्वाइन करना है इस तरह से। तो इसके लिए भी आप सुई धागा लेके सुई में गांठ इसको इस तरह से रखिए और यहां से सुई निकाल के इसको इस तरह से साथ में बंद कर दीजिए। इसी तरह से आपने दूसरा भी यहां पर साथ में ही लगा के और इसको भी इसी तरह से बंद कर दीजिए। ये देखिए इस साइड से मैंने जोड़ दिया है। अब इसको थोड़ा सा आप इस तरह से करके, ये देखिए इस तरह से आप यहाँ से निकालिए और यहाँ से, ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये इसी तरह से आपने इसकी यहाँ पर स्टिच लगा दीजिए। ये देखिए इसको यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इसका यहाँ से आप सुई हटा दीजिए।
ये देखिए अब इसके फुट भी लग गए हैं। फुट लगने के बाद में इसको थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से सेंटर में से उसके बाद में एक साइड से नीचे से हम बंद कर देते हैं। दोनों फुट में मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद में अब हम इसका विंग्स और इसकी टेल जोड़ते हैं। देखिए अब हमारा पैरेट ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम इसके विंग्स इसके और टेल इसकी पूंछ और इसके पंख जो है वो जोड़ देते हैं। अब ये देखिए ये इसकी टेल है, ये एक पीस कट करना था, और ये इसके विंग्स है, ये आपने टू पीसेस कट करने थे, एक इस तरह से और एक दूसरा इसको रिवर्स करके। अब मैंने जो ये कट किया, आप वैसे तो मैंने ये फर का ही बनाया है, ये भी फर है, आप इसका भी बना सकते थे, सेम कपड़े का आप लगा सकते हैं विंग्स और ये, लेकिन मेरे पास ये बहुत ही एक्स्ट्रा लॉन्ग वाला फर पड़ा हुआ था। ये देखिए बहुत ही लंबे बाल हैं इसमें, बहुत ही एक्स्ट्रा फर है, तो मैंने इसी का ये टेल और विंग्स दो पीसेस इसी में से काटे हैं। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको विंग को जो है सॉरी टेल को जो है इसको इस तरह से अंदर करके इसको यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और ये जो विंग्स हैं ये हम डायरेक्टली इधर इस तरह से जोड़ देंगे। तो विंग्स जोड़ने के लिए तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से रखिए और सुई धागा लेके और यहाँ पर इस तरह से जोड़ना शुरू कीजिए। देखिए विंग्स को हमने सिंपल ही लगा दिया है यहाँ पर, इसको मैंने कोई फोल्ड नहीं किया है और इसको मैंने नीचे डबल भी नहीं लगाया है, वो इस वजह से कि ये नीचे को रहेगा तो इसमें कोई जरूरत नहीं है कि अंदर की तरफ से। अगर आप हाँ फेल्ट का बना रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं भी लगाएंगे तो ये तब भी ठीक रहेगा। देखिए इस तरह से ये इस तरह से आएगा, तो नीचे का दिखता नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इसमें नीचे एक्स्ट्रा पीस लगाने की। तो इसी तरह से ये दूसरा जो विंग है ये यहाँ पर जोड़ेंगे हम। तो दोनों विंग जोड़ने के बाद में हम इसकी टेल जोड़, देखिए दोनों साइड पे विंग जोड़ने के बाद में मैंने टेल भी बिल्कुल सीधी ही इसकी जोड़ी है। मैंने इसको ऐसे ही जैसे विंग मैंने आपको दिखाया, मैंने यहाँ पर देखिए ये स्टिच लगाई है सिंपली, और इस तरह से मैंने इसकी टेल जोड़ दी है। तो आप देख रहे हैं हमारा पैरेट बन के बिल्कुल रेडी है। कैसा लगा आपको? आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। ये देखिए इसको इस तरह से रखिए। ये देखिए विंग्स पैरेट के और ये पैरेट बन के बिल्कुल रेडी है। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो आप मेरी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट्स मेरे को आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। किसी को कुछ पूछना है वो भी कमेंट से पूछ सकता है। तो मेरी वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।